All right. So please start putting your names in the chat box as attendance. Hopefully you guys have revised, like I had put the message on the group to revise the previous lectures. So hopefully you all have revised, because before we start with the revision and everything, we're going to have a discussion and a Q&A round. Okay? So basically just questions and discussions over what we've learned so far. Okay? Chalo, put your names in the chat box. We'll wait for 5 more minutes for our classmates to join. अगर तुम्हारे कोई डाउट्स है, कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो वील डिस्कस दैट एज वेल. ठीक है? तो अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो कुछ डाउट्स अगर है, तो लेट्स क्लियर इट. ठीक है? और अगर डाउट्स नहीं है तो उसका दो में से कुछ एक ही रीजन हो सकता है. इधर यू गाइज हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग, और यू गाइज हैव नॉट स्टडीड एट ऑल. ठीक है? तो व्हाट एवर इट इज, जस्ट लेट मी नो. रोशन, कुछ डाउट है? यू रेज्ड योर हैंड. नो 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 मैम, ओके ठीक है, वील स्टार्ट. ओके ओके, सो प्लीज तुरंत आंसर्स दो. इधर पुट इट इन द चैट बॉक्स और अनम्यूट एंड आंसर. ओके, अगर तुम लोग वॉलंटरली आंसर नहीं करोगे, तो आई विल रैंडमली जस्ट पिक समवन एंड यू हैव टू आंसर. ठीक है? ओके, सो दिस इज जस्ट टू टेस्ट कि यू नो हाउ मच यू गाइज हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर वी हैव लर्न्ड सो फार. ठीक है? ओके, सो हु कैन टेल मी व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स? हाउ वुड यू डिफाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स? एंड प्लीज थोड़ा जल्दी करते हैं. ओके चलो बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय बायोइन्फॉर्मेटिक्स, और हाउ वुड यू डिफाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स?
बेकायदेशीरपणे हे म्हणजे सैनिकी प्रशिक्षण देतात, पण त्या ठिकाणी ओके आकांक्षा, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आंसर. मैम इट इज अ कंसेप्चुअल बायोलॉजी इन अ टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एंड अप्लाइंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीएस एज वेल एज कंप्यूटर साइंस मैथ स्टैटिस्टिक्स. ओके बट दिस इज द टेक्स्ट डेफिनेशन दैट आई हैड गिवन राइट इन द पीपीटी. बट वॉट डिड यू अंडरस्टैंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, अपने वर्ड्स में बोलो. Anybody else would like to try? तुमको क्या समझा है? What do you mean by bioinformatics other than the textual definition? Simple words में bioinformatics. Ma'am, in simple words, it is the information of the biomolecules and applying some informatic techniques. It is converted into like applied maths, computers and all, it is converted into electronic form. Okay, theek hai, good. So very logical question, if I'm applying bioinformatics to the research data that I have generated, do I need computers or not? Yes ma'am, of course, right? Mujhe computers to lagenge. I will need a PC. I will need a desktop at least, right? To access the data which is available online or to submit my data which I have gathered. Okay. ठीक है. Can anybody tell me why do we need bioinformatics? Bioinformatics क्या है वो हमें पता चल गया है. Okay, we are going to use information techniques and mathematics and statistics to curate and organize all the biological data that we have generated. वो बायोइनफॉर्मेटिक्स हो गया. बट क्यों चाहिए बायोइनफॉर्मेटिक्स? व्हाट इज द नीड ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द लिविंग सेल एट मॉलिक्यूलर लेवल एंड द फंक्शंस. ओके गुड, ठीक है. व्हाट एल्स डू यू थिंक क्यों चाहिए बायोइनफॉर्मेटिक्स? मैम सीक्वेंस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन एनालिसिस करने के लिए. ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस एनालिसिस? एनालिसिस ऑफ द सीक्वेंसेस. ओके, स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स. ओके, उसमें हम क्या करते हैं? If you are analyzing the structure of mm-hmm. the protein or your nucleotide or your nucleic acids, what exactly do you think you would do in that? अरे बहुत इजी है रे, मैं ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है. कोई और बोलो. मैम हम कम हाँ बोलो सुषमा, बोलो बोलो. हमें ना कंपैरिजन करते हैं जो प्रोटीन, मतलब जो कंजर्व प्रोटीन है और हमको अभी जो नया मिला है उसका हम कंपैरिजन करते हैं उसके बेस पे, इसीलिए स्ट्रक्चरल एनालिसिस में. यही ना, यही बोल रहे हो ना तुम? हाँ यस, यू आर राइट. नो, यू आर परफेक्टली करेक्ट. इवन इन सीक्वेंस एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम दो सीक्वेंसेस होते हैं, एक अननोन सीक्वेंस होता है जो हमें मिलता है right after extensive research, and known sequences are the one which is available in your database. So when I am going to compare my sequence, my unknown sequence with a known sequence to know its functions or to know whether this sequence jo unknown sequence hai, is it belonging to the family of a known sequence. For example, proteins hai. I have a protein, unknown protein sequence. I'm going to try and compare my unknown protein sequence with known protein sequences to know whether they are belonging to the same family. If they are belonging to the same family, it would mean ke wo log ek hi origin se evolve hue hain, right? That's when they become a family protein.
if the same thing is applicable in structural analysis. I don't know the exact structure of my unknown protein, but I know the sequence. So I can compare it, I can predict a structure, right, on the basis of the structure of known protein sequences. That would be your structural analysis. Or functional analysis mein kya hoga? Vikas, bata paoge tum? Functional analysis mein hum kya karte hain? Yes, ma'am. Bolo. Metabolic pathway modeling, genes expression, profiling. Right, correct. So, सिंपल वर्ड्स में कैसे बोलोगे तुम कि फंक्शनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं सिंपल वर्ड्स में? तो प्रोटीन का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कैसे इंटरैक्ट होते हो वो सब. राइट करेक्ट कि उसका उसके सीक्वेंस का फंक्शन क्या हो सकता है. राइट अगर वो इज इट अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या वो किसी सेल के स्ट्रक्चर में बनाने में हेल्प करेगा बराबर या किसी सेल का रिसेप्टर बनेगा या वो एंजाइम बनेगा. ठीक है प्रीटी गुड नॉट बैड. ओके वी हैड डिस्कस्ड द एम्स ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स. अगर किसी को याद है तीन एम्स थे बायोइनफॉर्मेटिक्स के. कोई मुझे एक एक एम बता पाएगा? सिंपल थे एम्स बहुत. ऑर्गेनाइजिंग द डेटा. ओके द फर्स्ट एम इज ऑर्गेनाइजिंग द डेटा. Develop tools and resources. Second aim kya hai? Develop tools and resources. Okay, and third aim? Interpret the results accurately and meaningfully. Sorry, wapas bolo. Interpret the results results accurately and meaningfully. Interrupt nahi baba, it is to see the first aim is correct. You have to organize the data in such a way that it is easily accessible. ठीक है अगर कोई researcher है तो उसको easily वो access करने मिले और अगर मेरे पास नया data generate होता है तो I'm able to submit it. Okay, so the first aim of bioinformatics is to organize the data in that way. Second aim is to develop tools and resources जिससे कि हम analysis कर पाए easy analysis कर पाए. And the third aim is to use these developed tools and resources to analyze my बायोलॉजिकल डेटा. ठीक है अगर प्रोटीन सीक्वेंसेस है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है तो मैं वो टूल्स को यूज करूँ ताकि मैं इन सीक्वेंसेस का एनालिसिस करूँ. ओके दैट वुड बी योर थर्ड एम बेसिकली. ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस यू विल कम अप विथ योर इन्फरेंसेस और योर रिजल्ट्स एंड योर कंक्लूजन्स. ओके ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन bioinformatics and computational biology. Ma'am, computational biology है ना वो हम apply करते हैं bioinformatics में. It is a one of the application. How? You are applying computational biology to bioinformatics. How? लोगे मतलब उसमें हम algorithm use करेंगे और ऐसे फॉर्मुलेशन करेंगे अलग अलग टूल्स को हम. बोलो बोलो. प्रोटीन सीक्वेंस में द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं और हम बायोइनफॉर्मेटिक्स में क्या करते हैं मैं वैसे पूछ रही हूँ. ठीक है मुझे कोई और बोलो. आरती श्रद्धा स्नेहल ऋषिकेश रोशन छाया यू गाइस आर नॉट आंसरिंग एट ऑल. मैम कंप्यूटेशनल में हम लोग टूल्स डेवलप करते हैं एल्गोरिदम और उस टूल्स का यूज हम बायोइनफॉर्मेटिक्स में करते हैं एनालिसिस के लिए. क्या एनालिसिस के लिए? सीक्वेंस एनालिसिस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस. ठीक है सो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में वी आर गोइंग टू डेवलप एल्गोरिथम्स वी आर गोइंग टू डेवलप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स एंड टूल्स व्हिच आर गोइंग टू हेल्प मी टू डू द एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स इन बायोइनफॉर्मेटिक्स. ठीक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. ओके
The next question is, what are databases? Shraddha? Yes, ma'am. What are databases? Aarti, what are databases? अरे कितना इजी है डेटाबेस. रोशन, कैन यू टेल मी व्हाट आर डेटाबेसेस? डेटाबेसेस क्या होते हैं बाबा? आरती, आर यू देयर? मैम, प्राइमरी डेटाबेसेस एंड सेकेंडरी. नहीं नहीं, दे आर टाइप्स. आई वांट टू नो व्हाट इज डेटाबेस. डेटाबेस क्या होता है? ओके, डिफाइन कैसे करोगे डेटाबेसेस? अश्लेषा सेज ऑर्गेनाइज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, एनीथिंग एल्स? Ma'am, it is a computational archive which is used to store and organize the data. Okay, theek hai, good. And who can tell me what are the types of databases? Aarti? Ek minute, primary. Sushma, wait. Sushma, wait. Aarti? Yes, ma'am. Tell me the types of databases. Biological databases. Okay, tell me the date. Tell me the type. At least suno to mujhe. I was going to tell you to classify the databases based on the nature of the data. Matlab data ka jo nature hai, uske basis par can you classify the types of databases? In three types: primary database, secondary database, and sequential no, database. That is not on the basis of data, nature of the data. That is based on the content. I want to know the classification based on the nature of the data. Object-oriented databases. No. Ma'am, object-oriented databases. No, I'm talking about biological databases. Ma'am, primary database. No, just listen. Ma'am, primary database. God, you guys, just listen. Sab ek saath bol rahe hain. Listen, bol rahi hoon to bhi. It is so chaotic. Listen to the question clearly. You have to classify biological databases based on the nature of the data. Ma'am. Flat files, relational object oriented databases? No. Ma'am, primary database, secondary database, and specialized database? No. No. Object oriented and relational? No. Anybody else wants to try? Ma'am, primary databases, secondary databases, and structural databases? No. You have to classify the biological data on the basis of the nature of the data. Biological databases ko classify karna hai, jo data ka nature hai, uske basis par. Ma'am? Information retrieval system. Hare, that is not a database. Structure, sequence, and others. Right. Divya ko milte hai 10 marks. Are, wahi to question hai. See, you have to classify your biological databases. Jo tum log primary, secondary data bolo, it's based on the content. Okay, it is also correct, but it is a classification on the basis of the content. Ki usme kis type ka content hai. तब तुम्हारा प्राइमरी सेकेंडरी एंड स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस आता है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट द नेचर ऑफ द डेटा, वेदर इट इज अ सीक्वेंस डेटा, वेदर इट इज अ स्ट्रक्चरल डेटा, उसके बेसिस पर उसका आगे क्लासिफिकेशन है. ठीक है, सिंस वी ऑलरेडी रीच देयर,
who can tell me about the database management systems? Two types of database management systems. Object-oriented database and relational database management. Management. Okay. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस क्या होता है? अब बोलो. डाटा स्टोर इन ए ऑब्जेक्ट एंड स्पेसिफिक लैंग्वेज एसक्यूएल. नो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो सी प्लस प्लस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. SQL is for relational language रहता है उसमें. क्या क्या? Structural query language. No baba, that is a different thing. That is SQL is for relational databases na, DBMS. Object oriented में C++ है. Okay, ठीक है. Who can tell me what are relational database DBMS? अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस में द डेटा इज स्टोर्ड एज एज एन ऑब्जेक्ट, तो रिलेशनल डेटा डीबीएमएस में कैसे स्टोर हुआ है डेटा, कौन बताएगा? सेट ऑफ टेबल्स टू ऑर्गेनाइज डेटा. या यूज टेबल्स. सो टेबल्स में क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स होता है, बराबर. व्हाट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डीबीएमएस? अभी बोला मैंने एसक्यूएल. SQL, structural query language. Okay, good. ठीक है. Okay, so what are your what do you mean by biological databases? अब database क्या है वो तो सबको पता है, but what are biological databases? Biological data. Okay. Store in an electronic form. Storing biological data in an electronic form is your biological databases. तो तुम्हारे जितने भी biological databases हैं, उस सब में जो भी data है, it is all your biological data, right? It could be anything. It could be about all your living organisms. राइट. उसको आगे अगर हम डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, तो ह्यूमंस का होगा डेटाबेसेस, व्हिच विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, मे बी एनिमल्स, ऑल एनिमल्स व्हिच वुड इंक्लूड ह्यूमन बीइंग्स, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एटसेट्रा. ठीक है. ओके, व्हाट आर योर प्राइमरी डेटाबेसेस? मैम, ओरिजिनल बायोलॉजिकल डाटा, चूज ऑफ रॉ सीक्वेंसेस. ओके. और स्ट्रक्चरल डाटा, जीन बैंक एंड प्रोटीन डाटा बैंक, पीडीबी. आई डिड नॉट आस्क फॉर एग्जांपल्स, मुझे सिर्फ जानना था कि प्राइमरी डेटाबेसेस क्या होता है. आई वुड हैव आस्क्ड फॉर द सेकंड क्वेश्चन, बट ठीक है. ओके, सेकेंडरी डेटाबेसेस क्या होता है? मैम, जो प्राइमरी डेटाबेस है ना, उसको ही हमको थोड़ा अल्गोरिदम यूज करके, फिल्ट्रेट करके, मींस जो सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन है उसको ही कलेक्ट करके, जो ऐसे सीक्वेंस वाइज थोड़ा ऑर्गेनाइज बनाते हैं, जो हमारा रॉ है, जो हमारा प्राइमरी है, उसको हम सेकेंडरी डेटाबेस कहते हैं. ओके, द टर्म दैट यू आर लुकिंग फॉर इज एनोटेशन. ठीक है, एनोटेटेड डेटा. हाँ. जितना भी तुमने सब क्यूरेटेड एंड एनोटेटेड. Yes, so all your raw data or your original data which is present in the primary database, us sabko curate karke, annotate karke, matlab annotate karke usko curate jab karte hain, so that is your secondary databases. Okay. Example, theek hai, hum baad mein aate hain examples mein. And specialized databases kya hote hain? मैम, उसमें हमको खाली स्पेसिफिक कौन सा भी सीक्वेंस चाहिए उसका ही मिलता है, हमको सारा नहीं मिलता. जो खाली स्पेशलाइज है, हमको खाली स्पेशलाइज जो स्पेसिफिक जो डाटा चाहिए उसका ही हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड डेटाबेस. ओके, सो लेट मी करेक्ट. स्पेशलाइज डेटाबेसिस जो होते हैं, वी आर बेसिकली गोइंग टू यूज देम फॉर रिसर्च पर्पसेस. ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ही मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इट इज बेसिकली जस्ट स्पेशल डेटाबेसिस जो
which are used for research purposes, and most of them are not publicly available, like GenBank, AMBL ho gaya, PDB ho gaya. Okay, these are what available to general public, like to people like you and me. But there are certain specialized databases jo public, general public ko available nahi hota hai. Wo hota hai tumhare specialized databases, and they are generally used for research purposes. Okay. Okay, who can tell me about the IRS? The information retrieval systems. Roshan, tell me about IRS. Bolo. Hi, ma'am. Bolo. There is providing the multiple database for retrieval. मल्टीपल डेटाबेस फॉर रिट्रीवल कुछ भी मतलब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम क्या हो सकता है जस्ट ब्रेक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिकली क्या होगा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम यस तो बोलो मैम मैंने इतना पढ़ा नहीं क्यों नहीं पढ़ा मैं सिखा नहीं रही क्या बराबर से कि याद भी नहीं रहता नहीं मैम रिवाइज करना बाकी था ठीक है एनीबडी एल्स हु कैन टेल मी अबाउट आईआरएस मैम बायोलॉजिकल डेटाबेस आर एंटरप्राइजेस एंड सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम्स व्हाट आईआरएस क्या होता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम होता है क्यों चाहिए आईआरएस टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन देयर आर सम सिस्टम्स Exactly. मेरे पास डेटाबेस है मुझे पता है ये डेटाबेस है मेरा GenBank मेरा डेटाबेस है जिसमें मुझे न्यूक्लियोटाइड सब सब मिलेगा सीक्वेंसेस में जो भी चीज इंफॉर्मेशन मुझे सब मिलेगा बट मैं उसे एक्सेस कैसे करूँ उसे रिट्राइव कैसे करूँ मुझे कुछ तो इंटरफेस चाहिए ना कुछ तो चाहिए प्लेटफॉर्म कुछ तो सिस्टम जिससे मुझे वो सारा इंफॉर्मेशन मिले देर योर IRS कम्स इन टू द पिक्चर टू टाइप्स कौन बताएगा Entries and SRS. SRS. ठीक है SRS का full form. Sequence Retrieval System. वाह good. Yes ये पढ़ा है. ठीक है. तो मुझे basic difference कौन बताएगा दोनों के बीच में? Entries कौन किसने develop किया और कौन manage करता है and SRS को कौन manage करता है? Entries को शायस्ता बोलो यस मैम एंट्रेंस एनसीबीआई मेंटेन करता है और एसआरएस ईबीआई ओके एनसीबीआई का फुल फॉर्म नेशनल सेंटर ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स नो हाँ नहीं एनीबॉडी एल्स अगर इफ यू डोंट वांट टू टॉक टाइप इट इन द चैट बॉक्स एटलीस्ट जल्दी एनसीबीआई कितने बार तो बोलती हूँ नेशनल सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एनसीबीआई इज योर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन एंड ईबीआई का फुल फॉर्म ऋषिकेश ईबीआई का फुल फॉर्म यूरोपियन बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आर यू ऋषिकेश आकांक्षा नाम चेंज किया क्या तुमने हाँ नो मैम मैं जेड ऋषिकेश तो भी यू आंसर्ड ओके सो क्या है एबीआई का फुल फॉर्म अब बोलो आकांक्षा अब बोलो यूरोपियन बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन बायोलॉजिकल एनीबॉडी बायोटेक्नोलॉजिकल European Bioinformatics Institute. हाँ, EBI is your European Bioinformatics Institute.
ठीक है, एनसीबीआई इज योर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन. ये फुल फॉर्म्स यू शुड नो, ठीक है, एमसीक्यूज में, यूनिट टेस्ट में दे कैन आस्क, ठीक है, दे आर वेरी इजी टू रिमेम्बर. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट प्राइमरी डेटाबेसेस के एग्जांपल्स चाहिए मुझे. एनीबॉडी फॉर न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस, एग्जांपल फॉर न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस प्राइमरी डेटाबेसेस. डीडीबीजे, डीडीबीजे, जीन बैंक. एक मिनट, डीडीबीजे का फुल फॉर्म डेटा बैंक, डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान. हाँ, ओके, डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान. और श्रद्धा ने क्या बोला, जेन बैंक. हाँ, जेन बैंक. ओके, तो श्रद्धा, जेन बैंक कौन मैनेज करता है? यूएसए. डीडीबीजे यूएसए और करेक्ट, बट कोई तो होगा ना ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अभी डीडीबीजे को जापान का बायोइनफॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट मैनेज करता है. नहीं, कोई और मैनेज करता है. आई थिंक उनका बायोमोलिक्यूल का कुछ तो रहेगा इंस्टीट्यूट जो मैनेज कर रहा है, ठीक है. फॉर एग्जांपल तो जेन बैंक को भी तो कोई मैनेज कर रहा है ना. यूएसए, यूएसए कर रहा है वो, मुझे पता है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा ना जो उसे मैनेज कर रहा है. मैं बताऊं? हाँ बताओ. एनसीबीआई मैनेज करता है, करेक्ट. तो जेन बैंक को कौन मैनेज कर रहा है? एनसीबीआई मैनेज कर रहा है, करेक्ट, ठीक है. एंड तुम्हारे इसको क्या बोलते हैं, एनसीबीआई यूएसए बेस्ड है, करेक्ट. ओके, ईएमबीएल के बारे में मुझे कोई बता सकता है कुछ? जापान में. हाँ, ईएमबीएल इज यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी. एंड ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंस प्राइमरी डेटाबेस के एग्जाम्पल्स, Swissprot और PIR, PFAM. No, not PFAM. No. PIR. PIR, PSD. PIR, PSD. PIR, PSD का फुल फॉर्म? प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, PIR. PSD मैं बोलूं? प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस. Database, correct. So, PIR, PSD and SwissProt are your primary protein sequence databases. Okay. Primary protein structure database. Protein data bank. PDB. Okay. INSDC ka full form. INSDC के मेंबर्स कौन कौन है? बोलो. जेन बैंक, जेन बैंक वो डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज करते हैं, जेन बैंक, EMBL एंड जापान, आई मीन डीडीबीजे. एंड फुल फॉर्म? International. I don't remember. International nucleotide. International nucleotide. उसके आगे? Sequence. Data. Database. Database.
कोलैबोरेशन बैंक है क्या? It is the International Nucleotide Sequence Database Collaboration. और उसके members कौन-कौन है? GenBank, EMBL and DDBJ. तो INSDC क्या करता है basically, जो भी इनके पास तीनों जो भी database centers हैं, उनके पास जो भी information daily basis पे वो लोग एक दूसरे के साथ exchange करेंगे and they will make sure that जो भी data उनके databases में है, it is uniform. Okay, ठीक है. Anyone who can tell me the full form of MIPS? MIPS and GIPID. Bolo. MIPS and GIPID. सिखाते वक्त मैंने बोला था, बताया था मैंने फुल फॉर्म, और मैंने जानबूझ के पीपीटी में नहीं डाला, बिकॉज़ मुझे पता है तुम लोग कोई लिखते नहीं हो ऑन द स्पॉट, लिखते होते तो अब तक फुल फॉर्म मिल जाता था. चलो जल्दी बोलो MIPS और GIPID का फुल फॉर्म. Nobody. नहीं आ रहा किसी को? अरे कितना इजी है MIPS, GIPID. अरे भाई बोलो, नहीं आ रहा तो वो भी बोलो कि नहीं आ रहा है करके. तो आई कैन टेल यू गाइस ना, नोबडी. ओके टिकट इज अ नो. सो MIPS का फुल फॉर्म लिखो, म्यूनिच, एम फॉर म्यूनिच, आई फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ protein sequences. ठीक है, and it is based in Germany. And GIPID का लिखो, Japan International Protein Information Database. Japan International Protein Information Database. ठीक है, okay. Now who can tell me something about SwissProt and TR-EMBL? SwissProt and TR-EMBL. जल्दी जल्दी बोलो, मुझे आगे का भी पढ़ाना है तुम लोगों को. SwissProt is curated protein sequence database. Okay, protein sequences correct. TR-EMBL. TR-EMBL क्या होता है वो तो पता होगा ना, क्योंकि मैंने पढ़ा है TR-EMBL. Translated EMBL. Translated. Okay. तो उसमें किस टाइप का इंफॉर्मेशन होगा उस डेटाबेस में? कंप्यूटर एनोटेटेड. कंप्यूटर एनोटेटेड ठीक है, बट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर यू लुकिंग फॉर इन TR-EMBL डेटाबेस? EMBL में किस टाइप का डेटा रहता है? EMBL में किस टाइप का डेटा रहता है? न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस का.
राइट EMBL में तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस रहता है, तो TR-EMBL में क्या सीक्वेंस क्या इंफॉर्मेशन रहेगा? ओह माय गॉड यू गाइस, ट्रांसलेटेड डेटा एग्जैक्टली, जो तुम्हारे EMBL में अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का इंफॉर्मेशन है तो ट्रांसलेटेड EMBL में न्यूक्लियोटाइड का ट्रांसलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगा ना. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन याद है ना, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म mRNA, उस mRNA का ट्रांसलेशन होकर वो प्रोटीन बनेगा, करेक्ट? तो ट्रांसलेटेड EMBL इज गोइंग टू कंटेन ऑल ऑफ योर ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन. इतना इजी है TR-EMBL, इतना. जैसे मैंने दो पिक्चर्स डाल के बताए थे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, TR-EMBL में मैनुअली व्यूड रिव्यूड इंफॉर्मेशन नहीं होता है, राइट? इट इज येट टू गेट मैनुअली रिव्यूड, इट इज ऑटोमेटिकली एनोटेटेड बट इट इज नॉट येट मैनुअली रिव्यूड, इसलिए दोज सीक्वेंसेस और दोज दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन योर TR-EMBL. जबकि स्विस प्रॉट में भी प्रोटीन सीक्वेंसेस ही होते हैं, बट दे आर ऑल मैनुअली एनोटेटेड एंड मैनुअली रिव्यूड, दैट इज व्हाई दे आर प्लेस्ड और स्टोर्ड इन स्विस प्रॉट. बराबर, तुम्हारे TR-EMBL में भी प्रोटीन सीक्वेंसेस होंगे बट दे आर येट टू बी मैनुअली रिव्यूड एंड दे आर ऑटोमेटिकली एनोटेटेड. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्विस प्रॉट एंड TR-EMBL. TR सुन के ही आना चाहिए दिमाग में, ट्रांसलेटेड EMBL. EMBL ही नहीं पता डेटाबेस क्या है तो ट्रांसलेटेड EMBL बोलना बहुत दूर की बात हो गई. इतना इजी है रे, क्या तुम लोग ऐसे करते हो, इतना छोटा छोटा चीजें याद नहीं रखते. ओके, मूविंग ऑन टू सेकेंडरी डेटाबेसेस, हु विल गिव मी द एग्जांपल फॉर सेकेंडरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस? ओमनियम इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक रिसर्च इज TIGR का फुल फॉर्म. ओमनियम हो गया फ्लाईबेस एंड गोबेस. ओमनियम क्या डेटाबेस है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डज इट हैव, फटफट बोलो यार. स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ डीएनए, टैक्सॉन, ये सब. ऑफ बेसिकली न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड्स. ऑफ माइक्रोबियल डेटाबेस, माइक्रोबियल डेटाबेस, माइक्रोबियल रिसोर्सेज. यस, माइक्रोबियल रिसोर्सेज इज गोइंग टू कंटेन ऑल योर इंफॉर्मेशन अबाउट द जीनोम of microorganisms, not humans and animals, ठीक है? तो जो मैं जितने भी microorganisms, for example, Escherichia coli हो गया, S. aureus, Staphylococcus aureus, और Mycobacterium tuberculosis, all these bacteria, your all everything related to your microbes, right? All the information regarding related to the microorganisms is going to be found in your Omniome database by TIGR. ठीक है, नेक्स्ट इज योर फ्लाईबेस. फ्लाईबेस में क्या इंफॉर्मेशन है, जल्दी? जीनोमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाइज फ्लाईबेस में. यस करेक्ट, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. एंड गोबेस में क्या है, ऑर्गेनेल डेटाबेस, ऑर्गेनेल टैक्सोनॉमिकली ब्रॉड ऑर्गेनेल जीनोमिक डेटाबेस. सो ऑल योर डेटा रिगार्डिंग टू ऑर्गेनेल जीनोम, राइट, योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, टू बी वेरी स्पेसिफिक, उनके बारे में जितना भी जीनोमिक इंफॉर्मेशन है वो तुमको गोबेस में मिलेगा. सो दीज आर योर सेकेंडरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस. सेकेंडरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, example Insight, PFAM, correct. And secondary protein structure database, HSS. Full form, homology derived structure of protein. Good, ठीक है.
और क्या था, सेकेंडरी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर डेटाबेस, एनडीबी, एनडीबी फुल फॉर्म न्यूक्लिक एसिड डेटाबेस, न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस. ओके गुड, थैंक गॉड. ठीक है, द टू स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस, स्कोप एंड कैट. स्ट्रक्चरल सी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन डेटाबेस, करेक्ट. कैट, कैट क्लास वो सब था, क्लास टोपोलॉजी, क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलोगस सुपर फैमिली. ओके, तो ये क्या है कैट एग्जैक्टली? इट इज बेसिकली द इट वो जो डेटाबेस, वो जो एक टूल है, राइट? द डेटाबेस इज गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन एंड इट इज गोइंग टू क्लासिफाई इट इन दिस फॉर्म इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड इफ इट हैज एनी होमोलोगस सुपर फैमिलीज. दैट इज व्हाट योर कैट इज, राइट? द स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस, इसका मतलब क्या होता है? दोनों तुमको प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स देने वाले, बोथ स्कोप एंड कैट. ठीक है, ओके. ठीक है, नेक्स्ट वी हैड लर्नड अबाउट डेटाबेस सर्चिंग, है ना? टू वेज ऑफ डेटाबेस सर्चिंग. कौन मुझे बताएगा वो टू वेज ऑफ सर्चिंग और डेटाबेस? टेक्स्ट बेस्ड और सीक्वेंस बेस्ड. गुड, टेक्स्ट बेस में क्या क्या आता है? एसआरएस, एग्जांपल, एसआरएस इंटरेस्ट इन टेक्स्ट बेस्ड और सीक्वेंस बेस्ड देयर इज ब्लास्ट. ओनली ब्लास्ट, ब्लास्टा, फास्टा एंड फास्टा मैंने स्विच सर्चिंग, SWS searching. SW searching, good. SW का full form? Smith Waterman. Good, Smith Waterman searching. ठीक है. इन में से तीनों में से heuristic programs किसके हैं? Blast. What are the two? Blast and FASTA. And dynamic programming क्या है? SW. Of course, जो बचता है वही ना. Okay, who can tell me the full form of BLAST? Basic local logical alignment searching tool. Basic local alignment search tool. Basic local alignment search tool, not logical. ठीक है, this basic local alignment search tool. Okay. Which was the first sequence alignment or search database that came up? First database FASTA. Searching FASTA. Okay. What do you mean by sequence alignment? Alignment of the sequences, mm-hmm, to identify the regions of similarity so that you can know the evolutionary relationship. Okay, very good. ठीक है. Why do you need to identify evolutionary relationship between two sequences? So that we can come to know what is the homology, similarity क्या है दो sequences में. और क्या? Similarity तो मुझे sequence alignment में समझ में आ जाएगा, but मुझे evolutionary relationship जान के क्या मिलेगा? Why do I need to know the evolutionary relationship? जो अननोन सीक्वेंसेस है उसको कैटेगराइज करने के लिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अननोन सीक्वेंसेस. वेरी गुड, सो व्हाट, हाउ विल यू डू दैट? यू आर गोइंग टू कंपेयर योर अननोन सीक्वेंस विद द नोन सीक्वेंसेस, राइट? सो इफ दे आर सिमिलर और इफ दे आर सिमिलर एंड देन दे आर होमोलोगस, आई कैन सी दैट दे आर बिलोंगिंग टू द सेम प्रोटीन फैमिली, राइट? And since they're belonging to the same protein family, I know the functions of the known sequences. I can predict the functions as well as the structure of my unknown sequences. That is why we need to know the evolutionary relationship between two sequences, basically. ठीक है, good. Okay, types of sequence alignment, ये हमने पढ़ा था ना Saturday को. सिर्फ type पता है.
हाँ टाइप्स दो टाइप मल्टीपल सो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ठीक है जस्ट बाय द नेम जस्ट बाय द टर्म कोई मुझे बता सकता है कि पेयर वाइज में क्या होता होगा और मल्टीपल में क्या होता होगा इन पेयर में टू सीक्वेंसेस विल बी देयर एंड इन मल्टीपल देयर विल बी मल्टीपल सीक्वेंसेस या तो बेसिकली पेयर वाइज सीक्वेंसेस में आई एम गोइंग टू हैव माय अननोन sequence or my query sequence and one will be the known or the target sequence जो database में रहेगा बराबर मेरा sequence and एक known sequence एक unknown sequence pairwise sequence alignment में रहेगा whereas in multiple sequence alignment I will have my query sequence or my known unknown sequence it will be run against many or multiple known sequences it will give me the best hit वो multiple sequence alignment में होता है ठीक है ओके फाइन सो आई थिंक कि ओवरऑल समझा है जितना हमने पढ़ा है बायोइनफॉर्मेटिक्स ठीक है किसी को कोई भी डाउट है कि कहीं पर भी अब तक हमने जितना पढ़ा है उसमें वी हैड ऑलमोस्ट 4-5 लेक्चर्स नाउ इन लेक्चर्स में किसी भी कंसेप्ट में कुछ भी डाउट है तो बोलो नो ओके पहले क्यों नहीं बोला आवाज नहीं आ रही है
आवाज नहीं आ रहा था तो बोलना चाहिए ना, आवाज नहीं आ रही, मैं आई एम जस्ट ब्लैबरिंग. ओके ठीक है, सो आई विल गो बैक. ठीक है, आई विल जस्ट गो बैक. ओके, सो द क्वेश्चन के कम्स अप दैट आफ्टर नोइंग के डेटाबेसेस ये टाइप्स के डेटाबेसेस है, द क्वेश्चन कम्स कि उसको कैसे एक्सेस करना है. बराबर, तो हमने देखा था कि टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग मेथड है जिसमें हम SRS एंट्रेस यूज करते हैं जिससे एनोटेशन सर्च करेंगे, एंड सीक्वेंस बेस्ड में हम सीक्वेंस सर्च करेंगे. और उसमें क्या एग्जाम्पल्स है, ब्लास्ट फास्ट एंड SW सर्च, जिसमें से ब्लास्ट एंड फास्ट आर ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम्स वेयर इन दोस प्रोग्राम्स का गोल क्या है कि तुमको रिजल्ट्स जल्दी मिले. ठीक है, बट SW इज अ डायनामिक प्रोग्राम जिसमें उसका गोल है कि तुमको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट मिले, बट इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम. व्हाई? बिकॉज ब्लास्ट एंड फास्टा आर नॉट दैट सेंसिटिव एज कम्पेयर टू योर SW एल्गोरिदम और योर SW सर्चिंग मेथड. ओके, एंड दैट इज द रीजन ब्लास्ट एंड फास्टा आर वे फास्टर देन योर SW सर्च. BLASTA is more suitable for proteins, FASTA for nucleotides, whereas SW is suitable for both proteins as well as for nucleotides, but it is very slow. That is the only drawback. Okay. Next, sequence-based searching dekha tha ki if you want to search a DNA sequence, you will search it for in a DNA database, right? You will not go to a protein database and search for it. You will go to a DNA database like you can go to GenBank, AMBL, or you could go to DDBJ, right? Yeah, the Flybase, GoBase, ja sakta, if I want to search for DNA sequences. But it is also possible to translate a coding DNA sequence into a protein sequence and then search for that protein sequence in a protein database. Hai na? Abhi hum discuss kiya tha ki DNA ka sequence hota hai, right? There is a segment which will code, that is your gene. उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होकर mRNA बनेगा, दैट mRNA विल गेट ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोटीन, करेक्ट? सो आई कैन यूज दैट प्रोटीन सीक्वेंस एंड सर्च इट इन अ प्रोटीन डेटाबेस. नाउ सिंस डीएनए डेटाबेसेस आर लार्जर, दे ग्रो फास्टर, व्हिच विल आल्सो गिव यू मोर रैंडम हिट्स देन गिविंग यू मोर स्पेसिफिक हिट्स. अगेन, द ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस इज गोइंग टू एंड अप मी लूजिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग दैट translation, but they are more biologically preserved than DNA sequences. So the bottom line is translating DNA to protein. So when I'm going to translate my DNA sequence into a protein sequence, it's going to give me much better search results. So protein sequences are always searched against protein databases. Okay, I will not go to search protein sequences in GenBank. I can go to GenBank since it's a very broad or very wide database, but I would not search for protein sequences in AMBL or in DDBJ. Okay? I would rather go to SwissProt or Procyte, or if I want to the structures, I would go to PDB, okay? Or HSSP, depending. Okay, so the first tool is your BLAST, which is your basic local alignment tool, search tool, okay? It was developed by NCBI. It is designed for fast searching with minimal sacrifice to sensitivity for distantly related sequences. The program compares the query to each sequence in the database, and it has sub-programs. Uske sub-programs hum detail mein baat mein padhne wale. Okay? This is how your results look like in BLAST. Okay? FASTA or FASTA is the first database similarity search tool, and it is offered by the EBI, and it also has subprograms like BLAST. This is your sequence in the FASTA format. Each of these alphabets, they correspond to something jo hum dekhenge baad mein, theek hai? Since it is for nucleotides, right, FASTA is used for nucleotides, so these are all nucleotide bases basically. Your sequence is your nucleotide sequence here. And then Smith Waterman dekha tha, it compares query to each sequence in the database. But it is far, far very sensitive than BLAST and FASTA. It is exhaustive since it is a slowest method. However, the heuristic methods, that is your BLAST and FASTA, are limited in sensitivity and are not guaranteed to find the optimal alignment. That is a major drawback of the heuristic methods. They often fail to find alignment for distantly related sequences. ठीक है,
So for this purpose, we use SW codes or algorithms. Okay? So we can go for parallel processing. So there are researchers who or organization or institutes who run blast and fast, and in and parallelly they're also going to use SW search. Okay? So that they're going to get accurate results over a period of time or over a time period. And empirical tests have indeed shown that exhaustive method produces superior results over the heuristic methods, which means what? SW ke jo results aate hai, they are way far superior than the results which are obtained from BLAST and FASTA. Okay, next, sequence alignment. It is a comparison. What is sequence comparison? It is basically we are going to compare two sequences. Okay. Towards structural and functional analysis. The most fundamental process in this type of comparison is your sequence alignment. It is identifying the evolutionary relationships between sequences will help you characterize the function of unknown sequences. So if after research I have got an unknown sequence, okay, I don't know the function of my unknown sequence and I need to know what could be its function, I will first go for sequence alignment, where I will study the evolutionary relationships between the two. Now, when the sequence alignment reveals significant similarity among group of sequences, they can be considered to be belonging to the same family or they're said to be homologous, right? Now, since one member is known is of the family will have a known structure and function, right? Database mein kyunki wo already hai, mujhe uska structure, uska function mujhe pata rahega. So I can use that function, use the information of the function and structure of my known sequences in the databases and predict the structure and function of my unknown sequences. Okay? That's where evolutionary relationship comes into picture, and that is why hum sequence alignment karte hai. Chronology samajh rahe ho? Kaise ho raha hai? Mujhe ek unknown sequence mila hai, mere paas known sequences databases mein hai. I'm going to go for sequence alignment. Sequence alignment से मुझे similarity पता चलेगी, उस similarity से मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये दो sequences homologous है, because they are homologous, I am saying that they are belonging to the same family. Since they are belonging to the same family, I can use the structural and the functional information of my known sequences from the database to predict the structure and function of my unknown sequences. ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है जो समझना है. इट इज वेरी इजी. ओके, देयरफॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट कैन बी यूज्ड एज बेसिस फॉर प्रिडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अनकैरेक्टराइज्ड सीक्वेंसेस. सीक्वेंस अलाइनमेंट के दो टाइप्स है, पेयरवाइज एंड मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. नाउ देन वी केम अक्रॉस द टर्म्स होमोलोगस एंड सिमिलर टू नो इफ दे आर द सेम थिंग. सो व्हेन two sequences are descending from a common evolutionary origin, they are said to have a homologous relationship or to share some homology, right? Ek hi origin se, yani ek hi cell se, jab wo cell divide hokar do daughter cells bante hai, they are coming from the same parent cell, to hum bolte ki ye jo do daughter cells hai, they are homologous because they are coming from the same evolutionary origin. It is also applicable to two sequences. A related but different term is sequence similarity, which is the percentage of aligned residues. Residues kya hota hai, ye bhi maine bola tha. When your amino acids, they form polypeptide chains, right? When they have to form proteins, the amino acids are going to form a polypeptide chain. After they form a polypeptide chain, unke jo individual amino acids hote hai, those are called your residues. Okay. जितने भी रेसिड्यूज अलाइन होते हैं हैविंग सिमिलर फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज लाइक साइज चार्ज एंड हाइड्रोफोबिसिटी इफ दे आर अ हाई परसेंटेज ऑफ अलाइन रेसिड्यूज दैट वुड देन वी वुड से दैट द टू प्रोटीन सीक्वेंसेस आर सिमिलर एंड इफ देयर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी वी वुड से दैट दे आर होमोलोगस व्हेन दे आर होमोलोगस वी से दैट दे कम फ्रॉम अ कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन. ठीक है, sequence homology is an inference or conclusion about a common ancestral relationship drawn from sequence similarity comparison. Barabar hai na, hame jab tak similarity
पता नहीं चलती कितने कितना परसेंट सिमिलर है दो सीक्वेंसेस. वी कैन नॉट से वेदर दे आर होमोलोगस और नॉट. Whereas similarity is a direct result of observation from the alignment. So, good, those sequences, 80% similarity hai, dono sequences are homologous. But the similarity is just 5% or 10%. So, hum bolenge ki the two sequences are non-homologous. Okay. So, sequence similarity is very quantitative, whereas sequence homology is very qualitative. Okay. ठीक है. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट. सो पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग टू सीक्वेंसेस ऑन द बेसिस एंड इज द बेसिस ऑफ डेटाबेस सिमिलैरिटी सर्चिंग. सो पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, द टर्म पेयरवाइज मींस पेयर मतलब दो. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू अलाइन टू सीक्वेंसेस फ्रॉम अ डेटा इन अ डेटाबेस. इट विल प्रोवाइड मी इन्फरेंस फॉर द रिलेटेडनेस ऑफ द टू सीक्वेंसेस. मेरा अननोन सीक्वेंस है एंड देयर इज अ नोन सीक्वेंस फ्रॉम द डेटाबेस. राइट. मैं सीक्वेंस अलाइनमेंट करूंगी एंड इट विल गिव मी वेदर द टू सीक्वेंसेस आर रिलेटेड एंड कितने रिलेटेड है. इफ द टू सीक्वेंसेस शेयर सिग्निफिकेंट सिमिलैरिटी, इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली दैट द एक्सटेंसिव सिमिलैरिटी हैज बीन अक्वायर्ड रैंडमली. बराबर है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर दो सीक्वेंसेस हैं एंड आर वेरी मच सिमिलर, ऐसे रैंडमली तो सिमिलर नहीं होंगे. दे विल हैव सम होमोलॉजी विच विल मीन दैट दे हैव कम फ्रॉम अ कॉमन एवोल्यूशनरी ओरिजिन. ठीक है. द ओवरऑल गोल ऑफ पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट इज टू फाइंड द बेस्ट पेयरिंग ऑफ टू सीक्वेंसेस सच दैट देयर इज मैक्सिमम करस्पोंडेंस अमंग द रेसिड्यूज. बराबर है ना. दो सीक्वेंसेस कब सिमिलर होंगे, जब उनके जो रेसिड्यूज है वो सिमिलर होंगे, तो जाके ही सीक्वेंस सिमिलर होगा. बराबर. देयर आर टू डिफरेंट अलाइनमेंट स्ट्रेटजीज दैट आर ऑफ्टन यूज्ड. वन इज द ग्लोबल अलाइनमेंट एंड वन इज द लोकल अलाइनमेंट. ठीक है, जो हम थोड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, यहां तक समझा है सबको पेयरवाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? यस मैम. इसे बोलो. ओके, ठीक है. So moving on to global alignment, the term global alignment का मतलब, global का मतलब क्या होता है? Overall, right? Local का मतलब is very narrow, है ना, बहुत ही specific होता है local का मतलब. So global alignment means overall alignment. The two sequences to be aligned, they're assumed to be generally similar over the entire length. मेरा unknown sequence है and there is a sequence, unknown sequence from the database, ठीक है. The global alignment will, the program will assume the two sequences are similar over its entire length. ठीक है, जितना भी लंबा वो sequence होगा, global alignment program को लगेगा कि ये दोनों sequences जो है, they are similar, start to end. The alignment is carried out from the beginning to the end of both the sequences to find the best possible alignment across the entire length between the two sequences. Alignment कहाँ से start होता है? Beginning to the end. ठीक है. There is a base by base alignment allowing mismatches and gaps. The method is more applicable for aligning two closely related sequences of roughly the same length. ठीक है. हम कब यूज करेंगे ग्लोबल अलाइनमेंट? जब हमें पता है कि वो दो सीक्वेंसेज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. ठीक है. फॉर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेज एंड सीक्वेंसेज ऑफ वेरिएबल लेंथ, दिस मेथड मे नॉट बी एबल टू जनरेट ऑप्टिमल रिजल्ट्स because it fails to recognize highly similar local regions between the sequences. So global alignment is best used for sequences who are related, closely related, and of course on roughly of the same length. But if you're going to use divergent sequences or sequences which are very distantly related and are of different lengths, it is possible that global alignment may not give optimal results. Okay. This is how global alignment works. ठीक है. So ठीक है. So this is my target sequence जो database में रहेगा and this is going to be my query sequence down. ठीक है. These are nucleotide sequences, right? ATGC है उसमें. So these are my nucleotide sequences. Sequences or DNA sequences. ठीक है. So
what is going to happen is over a global alignment, the entire sequence, okay, the entire length is going to be aligned, right? And it is going to happen from beginning to the end. So from the beginning to the end, 5 prime to 3 prime ke direction mein wo align hoga, okay, across the entire length. So pure length pe uska dono sequences ka aligning hoga. Base by base alignment, A to A, C to C, T to T, A to A, C to C, T to T, A to A, G to G, right? Base by base, adenine, adenine, cytosine, cytosine. Okay. If you guys remember when we were studying about the DNA, humne dekha tha ki base pairing kaise hota hai. It is AT and GC. But that happens when the DNA is a helix model, right? But when you're talking about alignment, similar kab hoga jab A and A are similar, C and C are similar, right? Tabhi wo alignment hoga. To A ke against A, C ke against C, T ke against T. That is your similarity alignment. Okay? Theek hai. To kaise hoga? A to A hoga, C to C ko same hai, T hai, A hai, C hai, T hai, right up to this T right here. But my query sequence doesn't have A, C, T, T. तो वो वहां ब्रेक होगा एंड इट विल गो एंड अलाइन टू द नेक्स्ट सीक्वेंस दैट इज ए ओवर हियर फिर सी फिर जी ए टी सी फिर क्वेरी सीक्वेंस में ए और जी नहीं है ओके बट ये जी जो है इट कुड हैव अलाइंड हियर व्हाई डिड नॉट अलाइन हियर बिकॉज उसका नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड क्या है टी है दैट इज व्हाई इट गोज एंड बाइंड्स टू द सेकेंड जी इंस्टेड ऑफ द फर्स्ट जी ठीक है फिर ये टी ए राइट टिली एंड नाउ हियर व्हाई इज देयर अ गैप ओवर हियर बिकॉज टी एंड ए है इसीलिए देयर इज अ गैप हियर बिकॉज टी के बाद ए था और फिर जी है मेरे क्वेरी सीक्वेंस में ओके इट इज नॉट पेयरिंग हियर बट इट इज ब्लैंक ओवर हियर ठीक है इसके लिए यहाँ पर एक गैप रह गया ओके और इट इज अ मिसमैच ठीक है then it continues to G, C, C, A, right up till the end. This is what your global alignment basically looks like. Ye jo dashes hai, they are gaps. Gaps kyun hai? Kyunki mere query sequence mein ye nucleotides nahi hai. Isiliye yahan par gaps aa gaye. Lekin yahan pe ek mismatch hua hai na, T and A do not match. That's a mismatch. Iske liye. And why there is a mismatch? Because मेरे बाकी के जो sequences, nucleotide sequences है, they are matching with my target sequence or my known sequence. ठीक है? So these dashes here are your gaps, and this right here is your mismatch. So it's going to allow mismatches and gaps. Global alignment समझाओ? बोलो अरे भाई बोलो यस और नो गाइस यस कोई भी है जिसको नहीं समझाया कोई एक भी रहेगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी मैम रिपीट प्लीज रिपीट 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 ओके ठीक है मैं रिपीट कर दूं ठीक है So first understand that global alignment mein, since it's a pairwise alignment, right? So two sequences ko hum yahan par pair karne wale. We're going to align two sequences. Ek unknown sequence hai jo mera query sequence hai. Ek known sequence hai jo target sequence hai, which is in the database. Okay. Global alignment is going to assume, wo jo algorithm hai ya jo program hai, wo assume karta hai, कि वो जो दो सीक्वेंसेस है क्वेरी सीक्वेंस एंड द टारगेट सीक्वेंस आर ऑफ द सेम आर सिमिलर ओवर द एंटायर लेंथ सिमिलर माने उसके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है दे आर सेम या जो बेसिस है दे आर गोइंग टू बी सिमिलर ओके तो पहला क्या है अजम्पशन दैट दे आर सिमिलर ओवर द एंटायर लेंथ वो पहला उसका पॉइंट है ठीक है सेकेंड क्या है अलाइनमेंट जो है यानी वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आने वाले हैं ना तो ये अलाइनमेंट कहाँ से होने वाला है बिगिनिंग टू द एंड यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम तक ओके एंड इट इज गोइंग टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल अलाइनमेंट अक्रॉस द एंटायर लेंथ ठीक है नेक्स्ट है इट गोज फॉर
बेस बाय बेस अलाइनमेंट अलाउिंग मिसमैचेस एंड गैप्स, यानी कि एडेनिन एडेनिन, साइटोसिन साइटोसिन, थाइमिन थाइमिन, ग्वानिन ग्वानिन. बेस हो गया ना एडेनिन साइटोसिन थाइमिन ग्वानिन, दीज आर योर बेसिस. सो अलाइनमेंट कैसे होगा, बेस बाय बेस से होगा. ए के नीचे ए आएगा, टी के नीचे टी, सी के नीचे सी एंड जी के नीचे जी. इसमें मिसमैच क्या होगा, टी ए मिसमैच है, सी जी मिसमैच है, राइट. नेक्स्ट है गैप्स, वो हम जब मैं पिक्चर में फिर से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. जस्ट नो कि अलाइनमेंट जो होता है वो बेस बाय बेस होता है. द मेथड इज एप्लीकेबल फॉर अलाइनिंग टू क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस ऑफ रफली द सेम लेंथ, यानी कि जो दो सीक्वेंसेस होते हैं वेन दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, तभी ग्लोबल अलाइनमेंट विल गिव यू मच मोर ऑप्टिमल रिजल्ट. बट अगर बहुत ही डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस होते हैं, बहुत ही अलग सीक्वेंसेस है, और द सीक्वेंसेस आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, टारगेट सीक्वेंस बहुत लंबा है, क्वेरी सीक्वेंस बहुत छोटा है, ग्लोबल अलाइनमेंट विल नॉट बी एबल टू गिव यू ऑप्टिमल रिजल्ट. Okay, so I'm going to go for global alignment when the two sequences are very closely related and of the same length. Okay? Okay? Now, this is your target sequence right here. Ye wala jo hai. Cursor dikh raha hai kya sabko? Pehle mujhe wo batao. Haan, ma'am. Yes, miss. Okay. To ye yahan par jo mera टारगेट सीक्वेंस है ना, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, मेरा क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है. तो मेरा क्वेरी सीक्वेंस इज माय अननोन सीक्वेंस दैट आई एम सर्चिंग फॉर, ठीक है, अगेंस्ट द टारगेट सीक्वेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस. ओके, नाउ रफली दे आर ऑफ द सेम लेंथ, है ना, ऑलमोस्ट सेम लेंथ के हैं दोनों भी, ठीक है. तो अभी क्या अलाइनमेंट कैसे होगा, मेरा क्वेरी सीक्वेंस का ए एंड टारगेट सीक्वेंस का ए सिमिलर है दोनों बेसिस, सो बेस बाय बेस अलाइनमेंट, सेम फॉर सी के नीचे सी, टी के नीचे टी, ए के नीचे ए, सी के नीचे सी, टी के नीचे टी, ए के नीचे ए, जी के नीचे जी, फिर ए के नीचे ए, टी के नीचे टी, टी के नीचे टी. यहाँ पे डैशेस क्यों आ गए यहाँ पे अचानक से, क्योंकि क्वेरी सीक्वेंस में डायरेक्टली अगला बेस क्या है, ए है. ओके, बट यहाँ पर भी ए है, यहाँ पे भी सी है, तो ये यहाँ पे क्यों नहीं जाके पैर हुआ, क्योंकि उसके बाद क्या था, जी ए टी सी था जो यहाँ पे मैच हो रहा है. ओके, इट इज गोइंग टू डायरेक्टली गो एंड पेयर विद द बेसिस दैट आर सिमिलर टू देम, है ना. इसके लिए यहाँ पर ये गैप्स आ गए, फिर वो ए के साथ पैर हो गया, सी सी के साथ, जी दोनों जी, दोनों जी के साथ, ये ए ए के साथ, टी के साथ, सी सी के साथ, फिर यहाँ पर गैप्स आ गए, फिर ये जी जी के साथ, राइट अप टू हियर, टी के साथ टी. अब यहाँ पे कोई बार क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज अ मिसमैच, ए एंड टी आर नॉट सिमिलर बेसिस, है ना, एडेनिन एंड थाइमिन आर नॉट सिमिलर बेसिस, बट स्टिल इट इज अ मिसमैच, इसके लिए यहाँ पर कोई बार नहीं है, एंड इट अगेन अलाइन्स विद जी के नीचे जी, सी के नीचे सी, राइट अप टू ए के नीचे ए. This is what your global alignment is. अब समझा? Yes, ma'am. अभी भी किसी को नहीं समझा है, फिर से बोलो, फिर से समझाऊंगी, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो आगे के algorithms सर के ऊपर से जाएंगे. I don't want that. Mismatch समझा, but उसके पहले वाला नहीं समझे. Gaps नहीं समझे. सी गैप्स में क्या होता है, अभी यहाँ पर टी है बराबर, और यहाँ पर ए है. ओके, तो मेरा जो ये ए है यहाँ पे बाइंड क्यों नहीं हुआ, ये सी है यहाँ पे क्यों नहीं बाइंड हुआ या अलाइन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके आगे क्या था, जी जी ए टी सी था. ये दो जी जी के वजह से ये पूरा जो सीक्वेंस है वो इस तरफ आ गया rather than binding here. एंड सिंस ये ए सी जी जी ए टी सी को सिमिलर मैचेस यहाँ पे मिले, वो यहाँ पे आके अलाइन हो गए, और क्या हो गया, यहाँ पे गैप रह गया. सिंपल एग्जाम्पल में बोलू तो ऐसे अज्यूम करो कि एक ग्रुप है जिसमें छह लड़कियां हैं और चार लड़के हैं, दूसरे ग्रुप में चार लड़कियां हैं छह लड़के हैं, लड़की लड़की लड़कियों के साथ जाके ग्रुप हो जाएंगे, लड़के लड़कों के साथ ग्रुप हो जाएंगे, है ना. चार लड़कियां हैं और छह लड़कियां हैं एक ग्रुप में,
तो यहाँ पे दो लड़कियां रह गए, बिकॉज ऊपर चार लड़कियां हैं, नीचे छह लड़कियां हैं, तो चार लड़कियों का एक ग्रुप हो गए, वो अलाइन हो गए, दो लड़कियां यहाँ नीचे रह गए, तो क्या हो गया वहां पे गैप हो गया, ठीक है। सेम गोज विद द बॉयज, बराबर ऊपर छह बॉयज हैं, नीचे फोर बॉयज है, तो ऊपर भी दो गैप्स रह गए बिकॉज फोर बॉयज अलाइन हो गए, नीचे दो गैप्स ऊपर दो गैप्स, वो क्या हो जाएंगे अब दोनों के बीच में गैप्स हो गए, बराबर। बट सिंस इट इज अ सीक्वेंस, वो लोग दो एक लाइन में खड़े है, मतलब एक लाइन में एक ग्रुप, एक लाइन में एक ग्रुप खड़े, तो गर्ल और बॉय जब एक दूसरे के आगे ऑपोजिट आता है वो क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, ठीक है, समझा मिसमैच और गैप्स के बीच में डिफरेंस। यस मैम। अभी समझा, किसने पूछा था मुझे, ऋषिकेश, रोशन, हु आस्क्ड, मीमी, रोशन, रोशन, अब क्लियर हो गया मिसमैच और इसके बीच में डिफरेंस, गैप के बीच में डिफरेंस। यस, गैप्स कब पड़ रहे हैं, जब इक्वल नंबर नहीं है, इसके लिए गैप पड़ गया ना, नीचे फोर बॉयज है, ऊपर छह बॉयज है, तो फोर एंड फोर मैच हो गए, दो बॉयज रह गए, तो वहां क्या हो गया, गैप बढ़ गया, ओके। बट मिसमैच कब होगा, जब सब अलाइन हो गए, दो बॉयज और दो गर्ल्स आ गए, तो बॉय और गर्ल, आई मीन लड़के के सामने एक लड़की खड़ी है, लड़के के सामने एक लड़की खड़ी है, तो वो क्या हो गया, मिसमैच हो गया, ओके। नाउ थिंक दैट विद द सीक्वेंसेस, द टारगेट एंड द क्वेरी सीक्वेंस, ओके, बिकॉज टी एंड ए आर नॉट अ मैच, दे आर अ मिसमैच, ओके। और यहाँ पे गैप्स क्यों आए, बिकॉज दीज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, दीज न्यूक्लियोटाइड्स और द बेसिस आर नॉट पेयरिंग विद दीज बेसिस, दे आर गोइंग एंड पेयरिंग विद अदर बेसिस, बिकॉज उनका आगे का जो बेस है वो ऊपर वाले बेस के साथ, सीक्वेंस के बेस के साथ मैच कर रहा है। अब समझा ग्लोबल अलाइनमेंट? हाँ मैम, हाँ। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, लोकल अलाइनमेंट के बाद स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो लोकल अलाइनमेंट इज नॉट गोइंग टू अज्यूम दैट द टू सीक्वेंसेस, तुम्हारा क्वेरी सीक्वेंस एंड योर टारगेट सीक्वेंस को अज्यूम नहीं करता है कि दे आर गोइंग टू बी सिमिलर, दैट इज योर लोकल अलाइनमेंट। इट ओनली फाइंड्स लोकल रीजंस विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द टू सीक्वेंसेस एंड विल अलाइन दीज रीजंस, ठीक है। मतलब लोकल रीजन मतलब माने क्या होता है कि अगर दो सीक्वेंसेस है उसमें सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी कहाँ है, वो वहां पे जाके अलाइन हो जाएगा। Use for aligning more divergent sequences. Why? Because global alignment में हमको पता है कि अगर हम divergent sequences या बहुत ही far related sequences को align करेंगे तो हमको उतने अच्छे results नहीं आएंगे. That is why local alignment comes into the picture. तो जो divergent sequences को मुझे अगर align करना है तो I will go for local alignment. ठीक है? The two sequences to be aligned can be of different length, because global alignment mein they have to be of roughly the same length for me to get optimal results, but local alignment mein kya hai advantage, if the sequences are of different lengths to bhi mera analysis hoga, and even if they are more divergent to bhi mujhe optimal results milenge. This is what local alignment looks like. See, they are very different from each other. This is your target sequence which is very long and your query sequence which is very short, hai na? बट ग्लोबल अलाइनमेंट में देर ऑफ ऑलमोस्ट द सेम लेंथ, बट लोकल में एक बहुत लंबा है, एक बहुत छोटा है, ओके, लेंथ वाइज। सो एंड देर ऑल्सो वेरी डाइवर्जेंट, अगर इफ यू सी द सीक्वेंसेस दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो मेरा नीचे का क्वेरी सीक्वेंस है, इट इज गोइंग एंड बाइंडिंग विद द मोस्ट, बहुत ही लोकल रीजन हो गया ये बीच का, दिस लोकल रीजन, इट विल फाइंड फॉर लोकल रीजन विद हाइएस्ट लेवल ऑफ सिमिलैरिटी। तो मेरा जो क्वेरी सीक्वेंस है, इट विल गो एंड बाइंड विद द सीक्वेंसेस और द बेसिस इन द टारगेट सीक्वेंस व्हिच आर ऑफ हाईएस्ट सिमिलैरिटी। तो ये जो टीएसीटी, इट विल बाइंड विद द सिमिलर काइंड ऑफ बेसिस। अब यहाँ पे क्या हो गया, गैप हो गया, मिसमैच हो गया, बिकॉज टी एंड सी डू नॉट मैच। अगेन योर सी एंड जी, इट्स अ मिसमैच, दे डू नॉट मैच, बराबर। तो कितने मिसमैचेस हैं, दो मिसमैचेस हैं यहाँ पर,
rest, this query sequence will nicely bind with your or align under the target sequence. ठीक है, अब समझा दोनों के बीच में difference क्या है? Local alignment is pretty easy, है ना? Once you understand global alignment, local alignment is very easy. किसी को कोई doubt है? Anybody? सबको समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am.